अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक की मिस्टर स्लिम इन्वर्टर एसी का रिव्यू लेके आया हूँ, जो कि 1.5 टन का एसी है इस वक्त। और इस एसी की जो स्पेसिफिकेशन है वो ये लिखी हुई है कि 1.5 टन का 18,000 BTU है और ऊपर इसका मॉडल नंबर वगैरह सारा लिखा हुआ है। ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, ये देखें। और इस वक्त जो रूम का टेम्परेचर है वो 32 है, रूम टेम्परेचर इस वक्त 32 है। ये मैं अभी एसी का बटन जो है वो प्रेस करता हूँ, तो ये देखें इस वक्त ये सारा 0-0 है। ये अभी 2-3 सेकंड चलना शुरू हो गया है। इस वक्त जो वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 222-223 वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें, और ये एसी को मैं स्टार्ट करता हूँ, ये एसी स्टार्ट हो गया। इसका टेम्परेचर जो है वो हम सेट करते हैं 26 के ऊपर, ये 26 के ऊपर इसका टेम्परेचर सेट हो गया है। और अगर हम मीटर की तरफ देखें तो इस वक्त 2.9 एम्पेयर 3 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, जो कि आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए अब 4 एम्पेयर हो गए हैं, ये 4.8 4.9 एम्पेयर, वैसे आपको मैं एक पर्सनली बात बताता हूँ कि मिस्टर स्लिम जो है मिट्सुबिशी का, इसकी जो कूलिंग है वो बहुत अच्छी है, इसकी थ्रो भी बहुत अच्छी है। और जब हमने ये परचेज किया था तब इसकी प्राइस 82,000 थी, और ये 1.5 टन का एसी है। देखें इस वक्त 6.1 एम्पेयर पे चला गया है और कूलिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। दूसरे एसी जो हैं वो थोड़ी देर बाद कूलिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये जैसे ही हम प्रेस करते हैं बटन इसका, ये साथ ही इसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये अभी 6.185 पे चल रहा है। और इस वक्त मैं आपको बताता जाऊं कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो तकरीबन 40 के करीब है और जो रूम टेम्परेचर था वो 32 था। ये भी 6.6 एम्पेयर पे चल रहा है। ये देखें इधर हमने 26 पे ये स्टार्ट किया हुआ है। और अगर मैं आपको रूम की डायमेंशन बताऊं तो ये जो रूम है ये 15x15 का रूम है और इसकी जो छत है वो 12 फीट है, मतलब काफ़ी बड़ा रूम है और टेम्परेचर भी इसका ज़्यादा है और बाहर भी गर्म मौसम है। तो ये देखें ये जो एम्पेयर ले रहा है वो 8.2 एम्पेयर पे चला गया है। स्टार्ट के ऊपर अभी ये थोड़ी देर तक इतने एम्पेयर पर ही रहेगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इसकी थ्रो जो है, जो हमने ये सेंसर लगाया हुआ है इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी थ्रो कैसी है, जो कूलिंग ये देखें, ये इसकी थ्रो लगाई, ये 19 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो कूलिंग बाहर की तरफ थ्रो कर रहा है और ये आस्ता आस्ता नीचे की तरफ जाएगी। और रूम का जो टेम्परेचर है 31.8 और अभी जो एम्पेयर ले रहा है वो 8.5 एम्पेयर ही ले रहा है। 3 मिनट हो गए हैं एसी को चलते हुए।
ये देखें ये 17.6 पे आ गया है, ये आस्ता आस्ता 16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो थ्रो करेगा, जब तक कि ये रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता। ये देखें ये 8.9, ये मैक्सिमम 9 एम्पेयर तक जाता है, 9 से 10 एम्पेयर तक, और ज्यादातर 9 एम्पेयर पर ही रहता है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूं और फिर थोड़ी देर बाद आपको तकरीबन 30 मिनट या एक घंटे बाद इसका अपडेट आपको दूंगा। इस वक्त एसी को चलते हुए 1 घंटा और 51 मिनट हो गए हैं, और अभी जो ये एम्पेयर ले रहा है वो 6.7 एम्पेयर ले रहा है। इस वक्त अगर हम देखें ये जो वाट कंज्यूम कर रहा है वो 1000 वाट, 1091 ये वाट ले रहा है, और इसने जो यूनिट कंज्यूम किए हैं तकरीबन 2 घंटे के अंदर वो 2.4 यूनिट है, तो 2 घंटे के अंदर 2.4 यूनिट। और सबसे मजे की बात इसकी जो अगर एसी की मैं आपको बताऊं, जो मित्सुबिशी का एसी है कि इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है। जैसा कि देखें अभी इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 26.3 है, और अगर हम इसकी थ्रो देखें कि ये टेम्परेचर थ्रो कितना कर रहा है, तो ये देखिएगा 12.5 डिग्री सेल्सियस की ये कूलिंग थ्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी कूलिंग है। और जितने भी एसी हैं वो तकरीबन 16-17 इस तरह कूलिंग करते हैं, लेकिन ये 12.5 की कूलिंग थ्रो करता है, और ये अभी भी 6.1 एम्पेयर ले रहा है, जो कि आस्ता आस्ता नीचे आ जाएंगे। इस वक्त तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं चलते हुए, ये देखें ये एम्पेयर कम होते जा रहे हैं, ये 5.3, 5.4, 5.6, ये इस तरह एम्पेयर कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 8 घंटे के अंदर, वीडियो को मैं पास करता हूं और देखता हूं कि 6-7 घंटे के अंदर ये कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। ये देखें एसी को इस वक्त चलते हुए 6 घंटे और 27 मिनट हो गए हैं, और इस वक्त जो एम्पेयर ले रहा है वो 0.2, मतलब सिर्फ इस वक्त इसका ब्लोअर चल रहा है, क्योंकि रूम का जो डिज़ायर टेम्परेचर है 26 वो इसने मेंटेन किया हुआ है, ये 26 टेम्परेचर है, और एसी हमारा जो है वो 25 पे चल रहा है। इसलिए अगर हम इसकी देखते हैं कि कूलिंग कितनी आ रही अंदर से, तो वो भी हमें सेंसर से पता चल जाएगा। अभी सेंसर लगाया है, ये देखें 23-24, मतलब अंदर से जो कूलिंग है वो थ्रो कर रहा है, तो इस वक्त ये देखें 0.2 एम्पेयर ले रहा है, क्योंकि ब्लोअर चल रहा है इसका, इसने कूलिंग जो है वो मुकम्मल मेंटेन की हुई है। तो इस वक्त 6 घंटे और 28 मिनट हो गए इसे चलते हुए, मैक्सिमम जो इसने वाट दिए थे वो 1777 वाट थे, और इस वक्त 6 घंटे 6.5 घंटे के अंदर इसने 5.5 यूनिट जो हैं वो कंज्यूम किए हैं। आप देखते हैं 5.5-6 घंटे के अंदर 5.5 यूनिट, जो कि ऑन एवरेज बिल्कुल ठीक है, इस वक्त भी 25 के ऊपर चल रहा है, और अभी इसकी कूलिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। इस टाइम उल्टी जा रहे हैं, इसकी जो कूलिंग है थोड़ी थोड़ी वो आस्ता आस्ता स्टार्ट होगी। देखें जैसे कि अभी 24 पे आ गया है, अब ये देखें एम्पेयर जो हैं ये ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, जैसे ही उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है।
जी तो दोस्तों ये था मित्सुबिशी मिस्टर स्लिम का इन्वर्टर का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।